तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं और आए दिन ये हमारे अर्थ से ओपोजिशन में आते रहते हैं, फिर अर्थ से दूर चले जाते हैं और इनका ये साइकिल चलता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 प्लैनेट्स हमारे स्काई में एक साथ विजिबल होते हैं और उन्हीं को हम कंजक्शन या प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक प्लैनेटरी अलाइनमेंट या फिर एक कंजक्शन को कैप्चर करने वाले हैं, और इस कंजक्शन को हम लोग मॉर्निंग के टाइम में कैप्चर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो कंजक्शन है ये हमारे दो प्लैनेट्स के साथ मून का भी है। और अभी जो है मून अपने क्रीजेंट फेस में चला गया है, जबकि वो मॉर्निंग में विजिबल होता है। और कल जो है मून का लगता है कि सेकेंड लास्ट फेज है, और उसके बाद हमारा सोलर एक्लिप्स भी होने वाला है 8 अप्रैल को, जो कि एक टोटल सोलर एक्लिप्स होने वाला है, पर वो इंडिया से विजिबल नहीं होगा। पर आज का वेदर बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं है, और ये देखिए आसमान में कितने सारे क्लाउड्स हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको वहाँ पे कुछ कलर पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं? हाँ, वो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो क्या है। बस ये रैंडमली सनसेट के टाइम अपीयर हो गए, क्या आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर, अब हम अपने कंजक्शन पे आते हैं। तो ये जो हमारा कंजक्शन है, इसको आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट भी बोल सकते हैं। ये होने वाला है हमारा मॉर्निंग के टाइम पे, 4 से 4:30 AM के बीच हमारा जो मार्स, सैटर्न एंड मून है वो लगभग 10 डिग्री एल्टीट्यूड पे होगा, जिससे कि हम उसको इजीली व्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वेदर को देख के लगता तो नहीं है कि हम लोग कैप्चर कर पाएंगे कंजक्शन को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा सन तो हमें विजिबल है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स हैं और हवा भी चल रही है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरे बालों को, और यहाँ पे इस फ्लैग को भी आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे हवा चल रहा है। और हमारा क्लाउड भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 100% क्लाउड कवर होगा पूरे आसमान में। और अगर ये सुबह तक साफ़ हो जाता है तब तो हम लोग कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है ईस्ट और इधर भी काफ़ी सारा क्लाउड्स है। सो अगर हो गया साफ तो हम लोग कर लेंगे कैप्चर, अगर नहीं हुआ तो हम लोग क्या कर पाएंगे। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के दिन ही क्लाउड्स आते हैं, ये तो मतलब हर बार का है। इन्हीं क्लाउड्स की वजह से हम लोग एनेट्रेस का लूनर ऑकल्टेशन भी नहीं मतलब कैप्चर कर पाए थे, काफ़ी सारे लोग नहीं कर पाए थे जिसमें से हम भी थे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 AM और हम लोग आ गए थे अपने छत पे कैप्चर करने के लिए सैटर्न, मार्स एंड मून का कंजक्शन। और सामने जो है हमारा मून राइज हो चुका है, और उसी के बगल में आपको दो स्टार जैसे चीज़ ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, उसमें से एक हमारा सैटर्न है और एक हमारा मार्स है। तो अभी उनका एल्टीट्यूड जो है वो थोड़ा लो है, उनको थोड़ा और ऊपर आने देते हैं, उसके बाद हम लोग उनको। तो फ्रेंड्स, सामने आप स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन को देख पा रहे होंगे, और उसके मतलब लेफ्ट साइड में हमारा सेगिटेरियस कॉन्स्टलेशन भी है, और इन्हीं दोनों कॉन्स्टलेशन के बीच में हमारा मिल्की वे होता है। और अभी मिल्की वे जो है हमारे स्काई में है, तो आइए मैं आपको उसका भी एक शॉट लेके दिखा देता हूँ। वैसे हम लोग मिल्की वे को कैप्चर करने पे एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल ही नो लाइट पोल्यूशन एरिया से कैप्चर करने वाले हैं। सो उसका वेट करिएगा, लेकिन अभी मैं आपको एक सिंगल शॉट लेके दिखाता हूँ। और वहाँ पे है मून, उसके बगल में मार्स, और उसके नीचे थोड़ा साइड सैटर्न। सो यहाँ पे ब्राइटनेस कम करूँ तो आपको दिखाई देगा लाइव व्यू में, नहीं दिख रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है और आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं कुछ देर में। और यहाँ पे सामने में आप बहुत ही मतलब क्लाउड्स देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल डार्क क्लाउड्स। इस साइड भी क्लाउड्स है, लेकिन इस साइड का जो वेदर है वो काफ़ी अच्छा है। और पता नहीं ये वेदर अच्छा कैसे हो गया, क्योंकि मैंने जो लास्ट वेदर फोरकास्ट देखी थी रात को, मुझे लगा नहीं था कि मौसम क्लियर होगा। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि 97% क्लाउड कवर रहने वाला था, लेकिन भगवान ने हमारे लिए मौसम क्लियर कर लिया और हम लोग ने फाइनली उस कंजक्शन को कैप्चर कर लिया है।